व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हो। आज मैं बना रही हूँ अंडा ग्रेवी कढ़ाई। तो मैंने इसके लिए लिया है हाफ कप से थोड़ा ऊपर जो है ना, मैं ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें अंदर डालूंगी प्याज। व्यूअर्स, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक दालचीनी का टुकड़ा, दो स्टिक, और एक डाल रही हूँ बड़ी इलायची और एक बादियान का फूल। अब मैं इसे थोड़ा सा हिलाऊंगी और इसके बाद मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज मैंने 3 से 4 अदद पीस ली थी बारीक। और पीसने के बाद अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी, क्योंकि अंडा ग्रेवी के अंदर जो है ना वो साबुत प्याज अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ ये पीसी हुई प्याज। चार से पांच अगर दरमियानी साइज की छोटी मैंने वो प्याज ले रही थी, इसको मैंने छील छील कर काट कर और ब्लेंडर में पीस लिया था। तो अब मैं जब इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमने फैन भी ऑन किया हुआ है, तो इसका भी थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। यहाँ पर 1 मिनट मैंने इसको भूना है और मेरी प्याज यहाँ पर पक रही है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। मेरी यहाँ भुने जा रही है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 1 चम्मच। और अब मैं इसके अंदर भून के अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। तो जी व्यूअर्स, ये अंडा ग्रेवी जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर टमाटर और जो प्याज का है ना ये पीस कर ही डाला जाता है, क्योंकि ये जो इसकी ग्रेवी बनती है ना उसके अंदर ना टमाटर का जो है ना नज़र आए ना ही प्याज। इसके अंदर टमाटर भी पीस के ही मैंने शामिल किया है। 3 से 4 अदद मेरे पास टमाटर थे, उसको मैंने बारीक जो है ना ग्लेंडर कर लिया है और अभी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो बहुत मज़ेदार सी आसान रेसिपी अंडा ग्रेवी कढ़ाई तैयार हो जाएगी हमारी। अब मैं इसे थोड़ा सा भून कर इसके अंदर डालूंगी मसाले। मेरे यहाँ पे टमाटर भुने जा रहे हैं, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून लाल मिर्ची। आप अपने टेस्ट के कम या ज़्यादा हिसाब से डालिएगा। और हाफ टी स्पून से थोड़ा ऊपर नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा 1 चम्मच जितना इसके अंदर कढ़ाई मसाले का जाएगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही रखा था वो मैंने डाल दिया। और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू, क्योंकि थोड़े से मैंने इसके अंदर आलू भी ले लिए बच्चों के लिए, तो मैं इसके अंदर डालूंगी आलू शामिल करूंगी। अब मैं इसके अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन, ताकि इसके अंदर आलू भी गल जाए और इसका जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन जाए। फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। मैंने अभी जय देखा है ढक्कन हटा के, तो मेरे आलू यहाँ पे पक रहे हैं और ग्रेवी भी थोड़ी सी ऊपर आ गई है। 5 मिनट हम इसे और पकाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम ढक्कन उठा के इसका देखते हैं कि हमारा जो है ना सालन कहाँ तक पहुँचा है। तो जीवर्स, अब इसे हम भूनेंगे अच्छी तरह, क्योंकि हमारा मसाला जो है ना आलू थोड़े से गल चुके हैं और मसाला भी हमारा सब मिक्स हो गया है। अच्छी तरह से इसे भून कर फिर हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे पानी। और इसके अंदर से कोई प्याज नहीं दिख रही कच्ची, कोई टमाटर के छिलके कुछ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि हमने इसे पीस लिया था। तो ये देखिए कितना घाटा मसाला हमारा तैयार हो गया है। और अब इसे हम थोड़ा भून कर पानी शामिल करेंगे इतना जितनी हमारी ग्रेवी हो। फिर हम इसके अंदर डालेंगे जो है ना अंडे। तो ये मेरा हमारा तैयार हो जाएगा मिक्सचर आलू अंडे की कढ़ाई। बहुत मज़ेदार सिंपल सी और बहुत अच्छी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगी। अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। हम यहाँ पे शामिल करेंगे पानी, तो हम इसके अंदर ये डालेंगे पानी थोड़ा जितना हमें शेरवा रखना हो।
उसके हिसाब से हम इसे अंदर पानी रखेंगे। तो मैं इसके साथ बनाऊंगी वाइट चावल, सफ़ेद चावल। तो उसके लिए मुझे शोरबा इसके अंदर थोड़ा करना है। तो शोरबे वाले जो है ना, वाइट चावल के साथ अच्छा लगता है सालन। तो थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर बस पानी ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अंडे। तो मैं अब इसके अंदर डाल रही हूँ अंडे जो मैंने बॉईल करके रख दिए थे। अंडे ये 6 हमारे अंडे हैं। अंडे मैं इसके अंदर शामिल करने के बाद इसे रख दूंगी 5 से 7 मिनट दम पे। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे। तो ये हमारा अंडा ग्रेवी जो है ना, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे और हम करेंगे 2 से 3 अदद हरी मिर्ची शामिल और थोड़ा सा इसके अंदर धनिया। तो बहुत मज़े का हमारा अंडा ग्रेवी जो है ना, झटपट तैयार हो गया है। बहुत इजी, बहुत आसान सा। तो मैं अभी इसे रखूँगी 2 मिनट जो है ना दम पर, और फिर मैं इसको दिखाऊँगी आपको इसकी फाइनल लुक। तो जी बस मेरी जो है यहाँ पर अंडा ग्रेवी तैयार हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखें कितना मज़ेदार सा अंडा ग्रेवी तैयार हो गया हमारा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुझे किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।